अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां इंटीरियर डिजाइन महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला के पति और एक बेटी भिलाई में रहते हैं। फांसी लगाते वक्त वह फ्लैट में अकेली थी। पति ने भिलाई से फोन लगाया तो महिला ने फोन नहीं उठाया। शंका होने पर घर के सीसीटीवी फोन पर चेक किए तो पत्नी फंदे पर लटकी थी। पति ने तत्काल पड़ोसी को फोन लगाकर भेजा। दरवाजा तोड़कर जब महिला को निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला का शव एम्बॉय भेजा है। पति और बेटी के भिलाई से इंदौर आने के बाद ही पीएम होगा। महिला ने 7 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कई लोगों के नाम है। 3 माह पहले भी रुपए के लेन देन को चलते महिला के घर में तोड़फोड़ की थी। लसुड़िया थाना TI संतोष दूधी के मुताबिक मृतका का नाम अरुणा शर्मा है। एक दिन पहले ही अरुणा इस घर में पहुंची थी और उसने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। पड़ोसी विनोद देवाकर ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर बचाने की कोशिश की लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। शाम को इंजीनियर पति उत्तम शर्मा करुणा को कॉल कर रहा था लेकिन लगातार फोन नहीं उठा रही थी। इस पर उसने मोबाइल पर ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जिसमें करुणा फंदे पर लटकी दिखाई दी, जिसके बाद उसने पड़ोसियों से मदद मांगी थी। पुलिस ने उससे मोबाइल पर बात की। उसने करुणा का पोस्टमार्टम इंदौर आने के बाद कराने की बात कही है। लसुड़िया थाना TI संतोष दूधी के मुताबिक करुणा पुत्र गौतम शर्मा निवासी श्याम दर्शन नगर शिकायत पर आदित्य पुत्र कृष्ण अग्रवाल निवासी महालक्ष्मी नगर और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करुणा ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। सोमवार देर रात आदित्य उसके घर आया था। रुपए के लेन देन को लेकर आदित्य ने उसके साथ मारपीट की। आदित्य और उसके साथ आए दोस्तों ने घर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले में आदित्य और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। आदित्य पेशे से इंजीनियर है।